Hello students, today we will go ahead with exercise 5.1 और हमने यहाँ पे we start with question number 11 because we have done question number 10 up to question number 10 in previous lecture. तो ये हम शुरू करते हैं. 11th है which term of AP, अब AP दे रखा है, ये ध्यान रखना है कि आपने देखो ये स्टेटमेंट से क्लियर होगा. इज एपी इज गिवन और इफ एपी इज टू बी प्रूव, यानी एपी दे रखी है या हमने प्रूव करनी है. तो जिसमें दे रखी है उसमें तो हम कॉमन डिफरेंस सीधा निकाल देंगे, एक इस डिफरेंस लेना है आपने, सेकंड माइनस फर्स्ट ये ले लो. और अगर एपी प्रूव करनी है तो जितनी भी टर्म दे रखी है सभी में सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ सारे निकाल के देखने पड़ेंगे. और फिर वो अगर बराबर आता है डिफरेंस तो हम कहेंगे इट इज एन एपी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस लिख देंगे डी इज इक्वल टू दिस, इट इज एन एपी, क्योंकि वो बराबर डिफरेंस आता है. तो अब ये दो देख रहे हैं, इसमें दे रखिए और एपी है 3, 15, 27, 39. विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी इसकी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, अधिक होगी. तो ए एन मान लेते हैं, तो हम कहेंगे सपोज ए एन इज 132 मोर देन ए 54. हमने मान लिया कि ए एन टर्म है जो 132 अधिक है ए 54, तो 132 ज्यादा है. हम क्या करेंगे, जो बाद में टर्म आती है ना, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसको लिखेंगे ए एन माइनस ए 54 इज इक्वल टू 130, यानी ए एन की जो वैल्यू है उसमें से 154 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 132 आता है. जो वैल्यू ए 54 की है वो और जो वैल्यू ए एन की है वो दोनों का डिफरेंस आता है 130. ठीक है, अब इसके फॉर्मूले से ए एन, अब ए एन को इधर रख दो, ए एन तो निकालना है ना, 132 प्लस ए 54 फॉर्मूला लिख लो. 132 ए 54 का है ए प्लस 53 डी, यही फॉर्मूला होता है कल बताया था. ए 54 का मतलब है ए प्लस 53 डी, ये 54th टर्म है. अभी निकाल लेंगे ए हमारे पास क्या है, इसमें पहले डी निकाल देंगे हम, डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 12, क्योंकि सेकंड माइनस एक बार ही कम कर लो क्योंकि एपी दे रखा है, एपी ए दे रखा है, इज एन एपी, एपी दे रखा है, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन एपी दे रखा है. तो एपी दे रखा था, एक ही टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम तो डी आ जाएगा. और ए फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म है 3, 132 प्लस फर्स्ट टर्म है 3 प्लस 53 और डी दे रखा है हमारे पास 12. बस इसको कैलकुलेट करना है, ए एन की वैल्यू आ जाएगी 132 प्लस 3 है तो 135 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 3 36, 360 इनको ऐड कर देंगे 771. एन की वैल्यू क्या आई 771, ये तो वैल्यू है लेकिन उसने पूछा है टर्म कौन सी है. अभी तो वैल्यू निकाली हमने, एन की वैल्यू आ गई 771, तो ये बताना ये टर्म कौन सी है, विच टर्म इज दिस. तो एन का फॉर्मूला लिख लो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना आया 771. अब ए है 3, एन निकालना है, डी है 12, 771. पहले तो 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 12 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 768. 12 जाएगा डिवाइड में, एन माइनस वन इज इक्वल टू 768 बाई 12 कर लेंगे इसको 64 और एन की वैल्यू आ जाएगी एक उधर जाके ऐड हो जाएगा 64 प्लस 1 65. देयरफॉर 65th टर्म
एक्सीड कर रहे हैं 65th टर्म एक्सीड्स 54th टर्म बाय 130, यही कुछ ज्यादा भी विच टर्म एक्सीड 54 टर्म बाय 130 या मोर देन 54 तो वो 65th टर्म है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, तो इसका आंसर बनता है। तो ये एक क्वेश्चन है जैसे मैंने कल बताए थे वही है, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा जो है फर्क करना है, इसमें सोचना है समझना है उसके हिसाब से करेंगे। उसके बाद मैं ले लेता हूँ, एक तो ये हो गया, एक 212 देख लो, 2 AP जो है द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP ऐसी है जिनमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनकी जो 100वीं टर्म है उसमें डिफरेंस 100 का है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी जो 1000वीं टर्म आई उसमें डिफरेंस कितना होगा। तो अगर 2 AP हैं और उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो उसकी एक टर्म में जो डिफरेंस आएगा ना सभी में उतना ही आएगा, 1000 जैसे फर्स्ट एक टर्म है उसमें 100 का डिफरेंस है, 4 टर्म का 100 टर्म का 100 का डिफरेंस है, तो 1000 टर्म का 1000 नहीं होगा 100 ही होगा, 100000 टर्म का भी 100 ही होगा, यानी डिफरेंस उनमें दोनों बराबर। मैं एक लिख कर दिखा देता हूँ, मान लो हम एक एपी दे दें, कॉमन डिफरेंस 3 है दोनों का, दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, एक से शुरू कर दिया 1, फिर 3 ऐड करते जाओ 4 7 10 13 16 इस तरह होता जाएगा। दूसरी की मान लो मैं टर्म ले लेता हूँ फर्स्ट टर्म, इसमें ऐड करते जाओ 2 3 5 8 11 और 14 17 ऐसे, अब देखो आप इस टर्म में कितना डिफरेंस है एक का, इसमें कितना है एक का, इसमें भी एक का, यानी फर्स्ट टर्म में भी डिफरेंस 1, सेकंड में भी डिफरेंस 1, थर्ड में भी 1, फोर्थ में भी 1, कोई भी टर्म हो जो डिफरेंस होता है जिस टर्म का, तो आप किसी भी टर्म का ले लो, आप 1000 ले लो, 10000 ले लो, 1 lakh टर्म ले लो, सब में डिफरेंस उतना ही पाएगा। तो अगर 100वीं में 100 है तो 1000वीं में भी 100 ही होगा, 1000 नहीं होगा। तो ये मैंने थोड़ा वैसे बताया। अब मैं 14th पे आता हूँ, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल आते हैं, 4 4 के मल्टीपल। तो पहले तो हमने देखना है कि जो लास्ट मल्टीपल, पहला मल्टीपल कितना आएगा, 10 से छोटा नहीं होना चाहिए, 250 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मल्टीपल का मतलब उसका हमने टेबल पे काउंट कर लेंगे, 4 1 4 4 2 8, अब 8 तो 10 से कम है, 10 से 10 और 250 के बीच में, तो 4 3 12, यानी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 12 आएगी, फिर 4 ऐड करते जाओ क्योंकि 4 का उसका मल्टीपल वो 4 है, तो 16 20 24 28 ऐड होते जाएंगे, लास्ट टर्म क्या आएगी, 250 दे रखा है, अब 250 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24 1 4 2 8, यानी शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे, 2 इसमें से कम करो, 2 48, अगर 2 48 होगा तो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 248 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है, 250 नहीं है, तो इस डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर है ना उसको सबट्रैक्ट करो, तो 248 आ जाएगा, लास्ट टर्म कितनी आई, 248। अब ये काउंट बताना है ये कितने कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं बिटवीन 10 and 250, तो हम लास्ट टर्म को गिन लेंगे, लास्ट टर्म को कहां बताएंगे कौन सी टर्म, an, तो हम मान लेते हैं an हमारी 248, ए प्लस एन माइनस वन इन टू बी, ये भी 248, इसका फॉर्मूला लिख लिया है, फर्स्ट टर्म कितनी है 12, एन माइनस वन इन टू डी कितना है, तो 16 माइनस 12 4, ठीक है। अब पहले तो हमने इसको दरअसल एपी प्रूव करना है क्योंकि एपी दे नहीं रखी, ये टर्म बतानी है, तो एन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 16 माइनस 12 4 20 माइनस 16 4 24 माइनस 24 28 माइनस 24 4, यानी इक्वल आता है, देयरफॉर इट इज एन एपी। पहले तो एपी प्रूव करनी है, एपी देनी है, प्रूव कर दी, इसमें ए क्या है 12, डी क्या है 4, ये सारा डी है, और ए एन लास्ट टर्म क्या है 2।
अब ये बताना है ये कौन सी टर्म है, अब वो फॉर्मूला बता लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू, ए एन कितना दे रखा है 248, ए है 12, एन माइनस वन डी कितना है 4, बस इसको वैसे कैलकुलेट करके एन की वैल्यू निकालेंगे जैसे पिछले में निकाली, तो हम वो जितनी एन की वैल्यू मान लो एन 20 आता है तो हम कहेंगे देर आर 20 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, या क्या आपने कवर कर लेना है, मैं बता ही देता हूँ सब इसको, पहले 12 हो जाएगा 248 माइनस 12 इजिकल टू एन माइनस वन इन टू, तो ये बच गए 236 इजिकल टू एन माइनस वन, और 4 भी डिवाइड में आ जाएगा, ये 59 आगे कट के एन माइनस वन, एन की वैल्यू आएगी 1 ऐड हो जाएगा 60, तो 60 मल्टीपल्स हैं बिटवीन 10 एंड 250, तो हम लिखेंगे देर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 2, तो इसमें करते करते एक 15 है जैसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर बोथ nth टर्म ऑफ एपी दिस एंड दिस आर इक्वल, यानी कौन सी टर्म इक्वल होंगी, दो एपी दे रखी है, तो मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा, इसको मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा बाकी तुमने कुछ करना है, एक बार आइडिया देखता हूं इसका, आइडिया इसका दो एपी है 63 65 67, बस ये है, दूसरी है 3 10 17, अब ये कहता है कि कौन सी टर्म इक्वल आएगी, थर्ड आएगी, फिफ्थ आएगी, 17 आएगी, जो भी आएगी, कौन सी टर्म हमारी दोनों की इक्वल आएगी, जैसे इस एपी में मान लो 10वीं टर्म होती है, तो इसमें भी 10वीं, दोनों टर्म इक्वल आनी चाहिए, तो कौन सी टर्म इक्वल आएगी, तो हम nth टर्म निकाल लेते हैं इसकी, nth मान लो nth टर्म इक्वल है a, तो ए एन एपी वन के लिए मैं वन लिख देता हूं, ए एन वन इसके लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा a प्लस एन वन माइनस वन इंटू बी, ये आपने कर लेना है, ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 63 फर्स्ट टर्म एन वन माइनस वन, और d कितना आ गया, ठीक है, और अब एन ही मान लो इसको, क्योंकि दोनों की ए एन तो इक्वल है ना, तो एन ही मान लेते हैं, हम कह देंगे इसमें nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, यानी कोई एन नंबर है, कोई भी है, दसवां बीसवां जो भी है, nth जो टर्म है वो दोनों एपीज की वो इक्वल होती है, तो हम ए एन इसका भी निकालेंगे और ए एन इसका भी निकालेंगे, तो ये ए एन आ गया इसका, क्योंकि एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है, तो ये तो ए एन आ गया फर्स्ट का, ठीक है, अब हम निकालेंगे 3 10 17 इस तरह से, तो इसका ए कितना है 3, डी कितना है 10 माइनस 3 7, तो ये पे दे रखिए सीधा कंट्रोल कर लेंगे, अब इसका ए एन निकालेंगे, ए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7, अब ये कहता है दोनों एन इक्वल है, ए एन टर्म जो है दोनों की इक्वल आती है, अब एन बताना है कौन सी टर्म है, तो इसका ए निकाल लिया, इसका ए निकाल लिया, दोनों को इक्वल कर लिया, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इजिकल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 63 दो से मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7, एन को इकट्ठा कर दो और बाकी कर लिया, जैसे 63 माइनस 2 61 3 माइनस का हो जाएगा इधर आके 7 प्लस कर दो, उधर है 7n और 2n माइनस कर दो, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 61 और 7 68 माइनस 3 65 और ये 5 n बच गया, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65 by 5 = 30, तो n की वैल्यू 13 आ गई, फिर हम कहते हैं फॉर 13th टर्म ऑफ बोथ APs are equal. तो 13 टर्म है, 13वीं टर्म है, दोनों AP की इक्वल है, तो ये तरीका है निकालने का, हमें दो क्वेश्चन आगे ले लेता हूं, इसमें है आगे 18th ले लेता हूं, चलो मैं, द सम ऑफ
फोर्थ एंड एट टर्म, नहीं एक 17 लेना पड़ेगा पहले, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। इसमें 20वीं टर्म निकालनी है, लेकिन आगे से नहीं निकालनी, पीछे से निकालनी। तो ये एपी दे रखी है, एपी 3, 8, 13 और लास्ट में 250। तो हमने क्या करना है, अबे हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, हमें पीछे से निकालनी है, यानी इधर से काउंट करते करते 20 पे आएंगे, वो टर्म बतानी है कौन सी। 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, फर्स्ट से होता तो यूं काउंट करते, लास्ट से करेंगे तो यूं काउंट करते। हम क्या करते हैं, इसको एपी को उल्टा कर लेते हैं, इधर से शुरू कर देते हैं और 253 इधर दे दिया। अब ये क्या है, ये सबसे बड़ी टर्म है, हम इधर से करेंगे तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं और इधर से करेंगे तो कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 8 - 3 = 5, 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 248, 243, 238, 233 इस तरह से, यहाँ से 20। अब ये हमने उल्टी कर दिया, तो हमने पीछे से ही काउंट करनी थी, यहाँ से 20 टर्म निकाल लो। अब इसमें एक इतना है न्यू एपी में, यहाँ लिख देंगे न्यू एपी, इसमें एक इतना है 253, डी कितना है इसमें से कम करेंगे तो -5 बनेगा, ये ध्यान रखना है, इसमें 248 - 253 यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये बड़ा है माइनस का साइन आएगा तो -5, ये ध्यान रखना है -5 आएगा। ठीक है, अब 820 निकालो, 820 ए प्लस 19 डी, ए 253 प्लस 19 डी है हमारा -5, 253 95 और एक माइनस है तो माइनस, ये 95 सब्ट्रैक्ट कर दो 158, तो 820। तो हम यहां लिख देंगे therefore 20th term from last term is 158। आखिरी टर्म से उल्टा करेंगे तो 20 में कितनी है 158, इसको प्लस लिया था। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, ट्वेंटीएथ लास्ट ले लेता हूं, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में रामकली ने ₹5 सेव किए बचाए, ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, यानी हर महीने ना हर हफ्ते वो अपनी जो सेविंग है उसमें 1.75 ऐड करती चली गई। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। कोई nth वीक है, nवा वीक है, 20वा भी हो सकता है, कोई भी है, उसकी जो सेविंग बन गई वो है ₹20.75, n पता करना है। तो इसमें है सेविंग्स फॉर फर्स्ट वीक, पहले वीक की क्या सेविंग है 5, सेकंड वीक की क्या है इसमें 1.75 ऐड हो गया 6.75, थर्ड की क्या है इसमें 1.75 फिर ऐड हो गया तो 8.50, फोर्थ की क्या है इसमें 1.75 फिर ऐड कर दो तो 8, 9, 10.25, ये रुपीज है सारे। तो इस प्रकार वो करती जाएगी। और nth वीक की क्या है, nth वीक की रखी 20.75। तो पहले हम इसको एपी वगैरह देने रखे, हमने बनानी है तो इसको हम एक सीरीज में लिखेंगे, देयरफॉर सीरीज बनाएंगे हम 5, 6.75, 8.50, 10.25 और चलते चलते लास्ट में आता है 20.75। अब ये बताना है ये कौन सा वीक है, तो इस टर्म को निकाल लेंगे हम, ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है, an दे रखा है,
तो यहाँ कहेंगे ए कितना है 5, पहले तो डी निकालिए, 6.75 माइनस 5 इजिकल टू 1.75, इसमें से कम करिए इसमें से करेंगे 8.50 माइनस 6.75, ये भी बच गया 1.75, इसमें से कम करिए 10.25 माइनस 8.50, ये भी 1.75, यानी सब बराबर बचे। इसका मतलब ये क्या है, एपी, ये जो सीरीज बनी है, देयरफॉर दिस सीरीज इज एन एपी, ये सीरीज एक एपी है जिसमें ए कितना है 5, डी कितना है 1.75 और एन कितना है लास्ट टर्म 20.75 ए, एन टर्म एन निकालना है, तो इसका फार्मूला लिख लेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन दे रखा है 20.75, ए दे रखा है 5, एन निकालना है, डी है 1.75, पहले दे रहा 5 लिया हूं, तो आप देखो 5 को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, 20.75 है, 5 में कोई डेसिमल नहीं है, तो जिसमें डेसिमल नहीं होता उसको कहाँ लगाते हैं लास्ट में, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, इधर 5 है इधर 0.0 है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए 75, इसमें से गया 15, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास बचेगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, ये डिवाइड में आ जाएगा 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1, पहले हम इसको निकालिए डेसिमल हटा दो, ये दो जीरो नीचे आ जाएंगी, इसकी दो जीरो ऊपर चली जाएंगी कट जाएगी, क्योंकि डेसिमल हटाते हैं ना दो के बाद, तो दो जीरो नीचे आएंगे हंड्रेड आएगा नीचे, इसका ऊपर हंड्रेड चला जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 15.75 बाई 1.75 इक्वल टू एन माइनस, इसको आप देखो 25 से काट लो 7 6 3 7 9 मीटर, 1 को इधर लिया हो, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, तो 10th टर्म है, कौन सी टर्म है 10th टर्म, तो n बताना था तो हम कहेंगे n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 n, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको करके देखना और फिर जो भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में कल बात करेंगे।